उसी बीच आपको हमीरपुर से खबर बता देते हैं। हमीरपुर से खबर, एक घर के पांच लोगों ने की सुसाइड करने की कोशिश। हमीरपुर से खबर, जहां पर एक घर के पांच लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश की, जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड करने की कोशिश। मां समेत दो बेटे और दो बेटियों ने खाया जहरीला पदार्थ। जमीन के विवाद के चलते खाया जहरीला पदार्थ। जमीन के विवाद के चलते खाया जहरीला पदार्थ। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक ही परिवार के पांच लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश की। आपको बता दें कि जमीन विवाद के चलते खाया जहरीला पदार्थ। पड़ोसियों ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। सदर कोतवाली क्षेत्र के रानी लक्ष्मीबाई का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। एक ही घर के पांच लोगों ने की सुसाइड की कोशिश। जमीन विवाद बताया जा रहा है सुसाइड की वजह। परिवार के ही लोग करते थे परेशान। सूचना के मुताबिक परिवार के लोग करते थे परेशान। पड़ोसियों ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। सदर कोतवाली क्षेत्र के रानी लक्ष्मीबाई का मामला पूरा बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित तामदेव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर, जहां पर एक ही परिवार के पांच लोगों ने जहरीला पदार्थ खाया? जी, मैं पूरा मामला हमीरपुर मुख्यालय के रानी लक्ष्मीबाई का है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर चलते परिवार के लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, उन्हें परेशान किया जा रहा था, जिसके द्वारा उन्होंने आज एक ही परिवार के दो बेटियों दो बेटों ने और उसकी मां ने मिलकर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसकी हालत गंभीर थी। फिलहाल सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, सभी की हालत ठीक है। जिस तरीके से हमें बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते यहाँ पर पूरे परिवार ने जहर खाया है, पुलिस से संदर्भ में आपने बातचीत की, क्या कुछ उनका कहना है? पुलिस मामले की जांच रुकी है, पुलिस के लिए जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या उन लोगों से बात हो पाई है, पीड़ित पक्ष से बात हो पाई है? पीड़ित पक्ष का कहना है कि ये लोग रोज हमें गाली गलौज करते हैं, परेशान करते हैं। तो क्या पुलिस पे कंप्लेन नहीं की गई थी? हमें जी अभी तक पुलिस कंप्लेन नहीं की गई थी, अब ये पुलिस के यहाँ से कंप्लेन कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उन्हें बता दें आपको कि एक ही परिवार के पांच लोगों ने खाया जहर। फिलहाल सभी की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। परिवार के सदस्यों पर भी लगा है आरोप, जमीनी विवाद के चलते खाया जहर।